हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा इज लिंग्विस्टिक्स ए साइंस व्यूअर्स, लिंग्विस्टिक्स को साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात पर नज़र डालेंगे जिनकी बेस पर हम लिंग्विस्टिक्स को साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं व्यूअर्स इस स्टेटमेंट को फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको बता देते हैं कि वाट इज़ साइंस तो जब हम किसी फिनोमिना किसी हकीकत की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं मींस स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और कोई प्रिंसिपल या थ्योरी फॉर्मूलेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी से साइंस ऑफ प्लांटिंग नाउ वी स्टडी इट सिस्टमैटिकली एंड डू द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक दॉयल दैन वी पुट द सीड्स इन इट देन वाटर द सीड्स एंड सो ऑन सो दिस इज़ हाउ अ साइंटिफिक स्टडी प्रोसीड्स वी और साइंटिफिक स्टडी जब की जाती है तो पहले किसी भी फिनोमिना किसी भी फैक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमने ऑब्जर्व किया है वो किस हद तक दुरुस्त है और उसके बाद वेरीफाइबल डाटा दिया जाता है सो इन जनरल वी से दैट वैन वी स्टडी अ साइंटिफिकली वी फॉलो अंटिफिक मैथड Uh, and we follow the following steps first of all a phenomena is observed secondly a tentative statement known as hypothesis is given after hypothesis experiments are carried out to verify the given hypothetical statements then experiments give results and those results are then verified by re-experimentations जब तमाम एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट सेम आ जाएं तो थ्योरी या लॉ बन जाता है व्यूअर्स यही पूरा प्रोसेस लैंग्वेज के साथ होता है लिंग्विस्टिक्स में भी हम जब लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो इन तमाम स्टेप्स को माइंड में रखते हैं और लिंग्विस्टिक्स इसीलिए हम कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स फिट्स इन ऑल द अबव मैंशन क्राइटेरियाज ऑफ साइंस आपको फर्दर क्लियर करने के लिए एक टेबल के थ्रू मैं आपको साइंस और लिंग्विस्टिक्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ बताऊँगी तो आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स साइंस वाले कॉलम में आप देखें नंबर फर्स्ट पॉइंट साइंस स्टडीज़ एंड ऑब्जर्व अ सब्जेक्ट मैटर व्यूअर्स जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम कोई सब्जेक्ट मैटर कोई टॉपिक या कोई फिनोमिना सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए सिमिलरली लिंग्विस्टिक्स के कॉलम में देखें आप लिंग्विस्टिक्स में भी सेम होता है इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ लैंग्वेज जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज को हम अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखते हैं नंबर सेकेंड पॉइंट देखते हैं व्यूअर्स। साइंस की दो सब कैटेगरीज होती हैं एक होती है फिज़िकल साइंसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द बायोलॉजिकल साइंसिस यहाँ हम फिज़िकल साइंस की बात कर रहे हैं इन फिज़िकल साइंस साइंटिस्ट टेक्स एलिमेंट्स से सपोज ही टेक्स गोल्ड आयरन एंड आयोडीन वो इन एलिमेंट्स uh, को इन uh, एलिमेंट्स को लेता है जैसे कि गोल्ड आयरन और आयोडीन हो गए ही मैयर्स देयर वेट्स एंड डेंसिटीज़ टू डिटरमिन देयर नेचर वो इन एलिमेंट्स uh, को लेता है इनके वेट्स वगैरह चेक करता है और इनकी प्रॉपर्टीज जानता है और फिर उसके बाद इसी तरह एक लिंग्विस्ट जो होता है वो लैंग्वेज को एग्जामिन करता है ही स्टडीज़ इट्स कंपोनेंट्स दैट मींस ही द अकरेंस ऑफ स्पीच साउंड्स और द वे इन विच वर्ड्स बिगिन और एंड तो व्यूअर्स लिंग्विस्ट एग्जामिन करता है कि किस तरह वर्ड फॉर्मेशन होती है और कैसे साउंड्स आपस में मिलकर वर्ड्स बनाते हैं सो पॉइंट नंबर थ्री इन साइंस द फिनिना बीइंग स्टडीड इज़ ऑब्जर्वेबल मतलब जिस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको ऑब्ज़र्व भी किया जाता है किया जा सकता है सेम इज इन द लिंग्विस्टिक्स हम लैंग्वेज को जो कि लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर है हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऐसे कि

फॉर एग्ज़ाम्पल एक केमिस्ट के पास बहुत से एलिमेंट्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद उनको क्लासीफाई करता है कि ये ये एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे और ये ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करता है लिविंग बिंग्स को इन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ देयर फीचर्स सिमिलरली वैन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक्स जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं अनलिंग ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज और फिर वो उन फीचर्स की बेस पर को पर्टिकुलर टाइप्स में क्लासीफाई करता है सच सचेज बाइलेबियल साउंड और डेंटल साउंडस इसी तरह वो वर्ड्स की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करके उनकी क्लासीफिकेशन कर देता है इन टू प्रीफिक्स फंक्शनल और लेगजिकल वर्ड्स सो पॉइंट नंबर फाइव देखते हैं व्यूअर्स साइंस जब किसी फिनिना को ऑब्ज़र्व करने के बाद जजमेंट प्रोवाइड करती है तो वो जजमेंट या वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव होती है अब यहाँ ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि व्यूअर्स उन जजमेंट में साइंटिस्ट जो होता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल प्रिज नहीं डालता वो प्योर जजमेंट्स प्रोवाइड करता है जो रिजल्ट्स उसे मिलते हैं वो सेम रिजल्ट्स हमें बता देता है इसी तरह लिंग्विस्ट जब लिंग्विस्ट लैंग्वेज को स्टडी uh, करता है तो वो इंपर्सनली स्टडी करता है एक लिंग्विस्ट के लिए कोई भी लैंग्वेज प्योर प्रीमिटिव ब्यूटीफुल या मोर कल्चरल नहीं होती वो सबको उसी तरह ऑब्जर्व करता है जैसे वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती हैं और हमें जजमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि अन होती हैं बाई बाई पर्सनल इमोशंस सो पॉइंट नंबर सिक्स द स्टडी ऑफ साइंस इज एग्जासव इन नेचर एज इट स्ट्राइव्स फॉर थॉरो गोइंगनेस इन द एग्ज़ामिनेशन ऑफ रेलिवेंट मटीरियल व्यूअर्स यहाँ एग्जासवनेस से मुराद है जामिया या मुकम्मल उर्दू में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं जामिया या मुकम्मल इंग्लिश में हम कहेंगे कम्प्लीट और थोरो स्टडी साइंटिस्ट किसी भी फिनोमिनो की थॉरो स्टडी करता है टू फाइंड रेलिवेंट मटीरियल सिमिलरली लिंग्विस्ट डील विद ऑल दी रेलिवेंट डेटा एंड एनाल ऑल द इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सिस्टमेटिकली फ्राम ऑल द एंगल्स यानी कि जब भी वो लैंग्वेज की किसी प्रॉपर्टी को एनालसिज करता है ऑब्जर्व करता है तो उसको तमाम एंगल्स से वो देखता है और उसकी थॉरो स्टडी करता है सो पॉइंट नंबर सेवन साइंस अलोज नो कॉन्ट्राडिक्ट्री रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स इट मीन्स के साइंटिफिक स्टडी करते हुए जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन ना हो उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए व्यूअर्स रिजल्ट्स तो डिफरेंट आते हैं लेकिन रिजल्ट्स के बाद आप जो स्टेटमेंट दें उनमें कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है इसी तरह व्यूअर्स लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक्स में भी यही काम होता है देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट जो बात आप स्टार्ट में कर रहे हो आगे भी वही होनी चाहिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए आगे भी उसी की सपोर्ट में आप बात करते जाएं पॉइंट नंबर एट द स्टडी ऑफ साइंस इज इकोनॉमिकल हेयर इकोनॉमिकल मीन्स प्रिसाइज द स्टेटमेंट शुड बी शॉर्टर इन लेंथ सिमिलरली इन लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक्स ए शॉर्टर स्टेटमेंट और एनाइस टू बी प्रेफर्ड बात यानी कि साइंस की हो या लिंग्विस्टिक्स की हो दोनों में हम शॉर्टर स्टेटमेंट्स को प्रिसाइज स्टेटमेंट्स को प्रेफर करते हैं पॉइंट नंबर नाइन द स्टडी ऑफ साइंस इज इम्प्रिकल व्ययर्स इम्प्रिकल मीन्स एनी फिनमिना इंडक्टिवली अब यहाँ पर आपको इंडक्टिवली की मीनिंग समझाते चले व्यर्स इंडक्टिवली का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी फिनिना को स्टडी करते हैं तो हमारे पास उस फिनमिना से रिलेटेड कोई प्री कंसीव्ड कोई पहले से बनी बनाई थ्योरी नहीं होती हम उसको एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और फिर हम किसी थ्योरी या किसी जजमेंट को देने के काबिल बनते हैं सिमिलरली लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन द स्पेसिफिक डाटा फर्स्ट एंड देन प्रोसीड्स बाय प्रोवाइडिंग वेरिएबल एंड जस्टिफाइबल इसी तरह व्यूअर्स लैंग्विस्टिक्स में होता है हम जब लैंग्वेज के किसी एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास पहले से कोई थ्योरी नहीं होती हम उसे ऑब्जर्व करते हैं फिर अपनी हाइपोथेसिस पेश करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जाता है और फिर वो जाके एक थ्योरी या लॉ बन जाता है तो व्यूअर्स ये कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड साइंस जिसकी वजह से हम लिंग्विस्टिक्स को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू